हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अभी हम लोग जा रहे हैं तुराब नगर मार्केट, जो कि गाज़ियाबाद में है। तो आज हम लोग वहाँ पे शॉपिंग करने वाले हैं, क्योंकि समर आ चुका है और देखते हैं मार्केट में समर पर्पज़ से क्या क्या चीज़ें। वैसे मैंने तुराब नगर मार्केट का ब्लॉग बहुत बार बनाया है और तुराब नगर मार्केट है भी बहुत अच्छा। नगर मार्केट जाना मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि तुराब नगर में एक साथ में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है और अच्छा लगता है। स्पेशली अगर स्पेशल लोगों के साथ जाना हो तो और भी अच्छा लगता है। तो आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं बल्कि एक स्पेशल पर्सन के साथ तुराब नगर मार्केट विज़िट करने जा रही हूँ, जो कि अभी कनाडा से आई हैं। और चलिए अभी मिलाती हूँ उनसे। तो ये रही वागीसा और मेरी फ्रेंड शालिनी। तो आज हम लोग वागीसा को दिखाने वाले हैं, तुराब नगर मार्केट। और अभी हम लोग जस्ट तुराब नगर मार्केट में पहुंचे हैं। तो ये देख सकते हैं तुराब नगर मार्केट का एंट्रेंस। तो अभी हम लोग अर्ली मॉर्निंग आ चुके हैं, इसलिए भीड़ कम है। अगर आप भी तुराब नगर मार्केट आना चाहते हैं तो मॉर्निंग 11 o'clock बेस्ट टाइम होता है, और तुराब नगर मार्केट ट्यूसडे को ऑफ रहता है। तो जब भी आप प्लान बनाए अर्ली मॉर्निंग आए। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एक शॉप पे, जहाँ पे ब्लाउज़ रेडीमेड ब्लाउज़ वगैरह मिल रहे हैं। तुराब नगर मार्केट नॉर्मली यहाँ पे लेडीज़ शॉप्स ही ज़्यादा हैं। यहाँ पे आपको हर तरह से लेडीज़ आइटम्स मिलेंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से लेके सूट लेंथ से लेके और क्रॉकरी वगैरह आप लेना चाहते हो तो क्रॉकरी की भी यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। वेडिंग पर्पज़ से भी यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि आपको शादी के लिए शॉपिंग करनी है और बहुत दूर नहीं जाना है, तो तुराब नगर मार्केट बेस्ट है, क्योंकि तुराब नगर में आपको एक ही शॉप पे शादी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। जी हाँ, अगर ड्रेस मटेरियल में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे ड्रेस मटेरियल बेस्ट क्वालिटी के मिलते हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं ज्वेलरी शॉप पे, क्योंकि तुराब नगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए भी बहुत फेमस है। और स्पेशली जब शादी वगैरह की शॉपिंग करनी हो तो नॉर्मली लोग तुराब नगर मार्केट आते हैं, क्योंकि तुराब नगर मार्केट में ज्वेलरी बहुत ही अच्छी मिलती है। तो अभी हम लोग भी एक शॉप पे आ चुके हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छी ज्वेलरी मिलती है, और यहाँ पे क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी यहाँ पे ज्वेलरी है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, बट क्वालिटी में कहीं भी कोई कमी नहीं है। तो बहुत ही यहाँ पे वैरायटी भी काफ़ी है, तो देखें क्या हम लोगों को पसंद आता है। यहाँ पे नॉर्मली जो भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं तो सभी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। अभी हमें काफ़ी चीज़ें पसंद भी आ रही है। ज्वेलरी अगर मार्केट आए हो और ज्वेलरी न ली जाए तो ये तो अधूरा, मार्केट आना ही अधूरा रह जाता है। और अभी मौसम भी थोड़ा सा गर्म है, तो थोड़ा सा कुछ पी लिया जाए फिर बढ़ते हैं आगे। तो काफ़ी अभी हम लोगों ने शॉप यहाँ पे देख ली है, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया और बहुत कुछ यहाँ पे हम लोगों को पसंद आया। तो चलिए अभी हमें यहाँ पे फिर से एक ज्वेलरी शॉप दिखी है, तो कुछ यहाँ पे भी देख लिया जाए। और वैसे भी समर आ चुका है तो मार्केट टोटली समर क्लोथ से भरा हुआ है। यहाँ पर आपको जो भी ट्रेंडी ड्रेस है, स्कर्ट्स वगैरह, शॉर्ट्स, टॉप्स वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छे से मिलने वाली है आपको। हर कुछ शॉप्स पे दिख जाएंगी जो भी ट्रेंडी आजकल चल रहा है, तो तुराब नगर में भी हर कुछ मिल जाता है। और काफ़ी इजीली आप मार्केट तक पहुंच सकते हैं, यहाँ पे ऑटो और टैक्सी वगैरह करके भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपका मार्केट एक ही गली में स्टार्ट होता है और काफ़ी बड़ी गली है। इसमें आपको आराम से 2-3 घंटे लेके आप आ सकते हो, तो 2-4 घंटे कहाँ चले गए पता ही नहीं चलेगा। कुछ ज़्यादा मिला ही नहीं, भीड़ नहीं थी। हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है, अब रानू हम लोगों को लस्सी पिलाने जा रहे हैं। किसकी लस्सी रानू? किसकी लस्सी है यहाँ पे? लाल मन की लस्सी पियेंगे।
और उसी का समोसा फेमस है आसपास, तो समोसा भी खा लेंगे अगर मिलेगा तो हम लोग समोसा। तो चलिए अभी पूरा मार्केट एक्सप्लोर हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। जी नहीं, पहले कुछ खा लिया जाए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फेमस शॉप है। तो आपको कैसा लगा? जो मेरी पियर्सिंग कर रही थी। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ की फेमस लालमन लस्सी वाले के यहाँ पे, जो कि बहुत ही फेमस है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है। नॉर्मली लोग जब तुराब नगर आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छे से लस्सी मिल रही है, बिल्कुल क्रीमी। मैं तो इसलिए बोल रहा था, मैंने खा लिया था। अच्छा खाया था अभी? ये देखो बात है, पूरा था तो। बहुत टेस्टी है ना, लस्सी पीने को भी मिल गई लालमन की, सच्ची में मलाईदार लस्सी बहुत ही टेस्टी। इस पे इतना व्लॉग बना है, इतना व्लॉग बना है, ये गाजियाबाद में सबसे फेमस है, दिल्ली से भी लोग आते हैं। भीड़ लगी रहती है यहाँ पे, हर टाइम पे लोग रहते हैं। वास्तव में रियली है भी तो बहुत ही टेस्टी। किसका समोसा है? कौन सी जगह का समोसा है जो इतना फेमस है? नबी मार्केट का, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए फाइनली बहुत ही लजीज लस्सी और टेस्टी समोसे के साथ अभी हम लोग तुराब नगर से वापस आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए। तो यहाँ पे लंच के लिए हम लोग जा रहे हैं नोएडा सेक्टर 63 नैवेद्यम, साउथ इंडियन फूड के लिए काफ़ी फेमस है। तो आज हम लोग भी कुछ साउथ इंडियन टेस्ट करने वाले हैं। तो आज का डे हमारा काफ़ी अच्छा रहा और स्पेशली हमारे साथ वागीसा थी, तो डे ने स्पेशल तो होना ही था। तो गाइस इसी के साथ आज मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।